चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। हेलो जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या आपको पिछले 4 महीनों का किराया नहीं मिला? नबील तो कह रहा था दे चुका है वो। हेलो हेलो जावेद साहब, थोड़ा सा टाइम तो दें प्लीज। जावेद साहब हेलो, जानू ऑफिस जाने के लिए इतनी देर कर दी, तुम लेट पहुंचोगे मैं तुम्हारी तनख्वाह काटूंगा। शट अप नबील, कोई ऑफिस नहीं जा रहा। नहीं भाई नहीं, मुझे तो ऑफिस में बहुत काम है, मैं तो जाऊंगा। ऐसा क्या काम है मसूद? सारा सारा दिन लड़कियों के रिश्ते की प्रोफाइल जो खोले बैठे रहते हैं। हाँ, वो तो सब शुकूर की बेटियों की उम्र की होती है, क्यों मसूद? मैंने ऑफिस बंद कर दिया। मगर क्यों जानू, तुम्हारे शौहर ने इतनी मेहनत करके उस ऑफिस को खड़ा किया था और तुमने बंद कर दिया? यार क्या खाक मेहनत की थी, मेरे पापा के पैसों से चल रहा था ऑफिस। और ऑफिस तो छोड़ो, अब ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। क्यों नीला? क्योंकि आपके साहबजादे ने 4 महीनों से घर का किराया नहीं दिया। दस पुत्र पैसे कितने? ओ माँ जी, सारे पैसे ऑफिस में लग गए यार। मैंने कौन सा कोई 1.5 लाख का फोन और कोई 1.5 लाख की घड़ी ले ली है यार। 1.5 लाख का फोन? भाई बड़े बेशरम है तू, ये ना हुआ माँ के लिए कोई आईफोन नया वाला ले आए। माँ जी, जावेद साहब ये घर बेच रहे हैं। हाँ तो तू खरीद ले शुमैला, मुझे तो बड़ा पसंद है ये घर। क्यों? ओ माँ जी आप टेंशन ना ले, हमें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। जावेद साहब ने कहा है कि कुछ लोग आज ही घर देखने आ रहे हैं और पसंद आ गया ना तो डील फाइनल हो जाएगी। मैं आने तो जानू, मेरे पास भी ऐसा प्लान है, 10 मिनट ज्यादा कोई नहीं टिकेगा। मैं आज ही महमूद साहब आप लोग कान दे अपने। ना पुत्र, मैं अपना कान काट के तुझे नहीं दूंगी। ओहो माँ जी बात तो सुने मेरी। जी मैं इफ्तिखार। हाय इफ्तिखार, लेकिन आपका मुंह छोटा कैसे हो गया? क्या हुआ मेरे मुंह को? अभी आधे घंटे पहले तो आपका मुंह इतना बड़ा सारा था। आधे घंटे पहले तो मैं अपनी बीवी के साथ था। वही तो कह रही हूँ, आधे घंटे पहले तो आप मेरे साथ थे। इश्तहार, ओफो, मैं अपनी बीवी के साथ था? हाँ तो मैं ही तो हूँ आपकी वो क्या कैसे रोमांटिक हो रहे आप? रोमांटिक तो मैं आज तक अपनी बीवी के साथ भी नहीं हुआ हूँ। मैं आपकी बीवी हूँ ना जुल्फकार। मैं आपका शौहर नहीं हूँ, मैं तो ये जावेद साहब का घर देखने आया था। पहले नहीं बता सकता था, तुझे तो डराना था बच्चू। डराना था? वो क्यों? आए चल नीचे उतर, इस बंदे का गला नहीं काटना तूने है। ये आप क्या कह रही हो, ऊपर कौन है? अब वो ऊपर नहीं है। तो फिर कहाँ है? तेरे पीछे। भाई कौन हो तुम? पुत्र ये होनहार है। होनहार कौन माँ जी? मैं इफ्तिखार हूँ भाई, वो जावेद साहब से घर खरीदने की बात हुई थी, मैं घर देखने आया हूँ। वाह भाई वाह, बड़ी हिम्मत है तुम्हारी जो सरकटे के साथ यहाँ रहने आ गए। सरकटा? हाँ हाँ, सरकटे के साथ साथ लाल मुंह वाली चुड़ैल। लेकिन जावेद साहब ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया मुझे। अरे भाई वो क्यों बताएंगे तुम्हें अपने असेब ज़दा घर की कहानी। लेकिन तुम लोग यहाँ कैसे रह रहे हो? भाई हमारी तो मजबूरी है, अब क्या बताएं तुम्हें। महमूद साहब को ये जो चुड़ैल ऊपर रहती है, 3 बार महमूद साहब को छत से धक्का दे चुकी है यार। तुम लोग फिर भी यहाँ रह रहे हो, तो घर खाली क्यों नहीं कर देते? एक और मजबूरी भी है ना भाई, वो चुड़ैल जो है वो दरअसल महमूद साहब के मुँह पे आशिक हो चुकी है। मसूद आपने चुड़ैल से भी वो चला लिया है। वो क्या भाई? वो मुझे चक्कर आ रहे हैं भाई। चक्कर आपने चुड़ैल से भी चक्कर चला लिया है इफ्तिखार। ओ इफ्तिखार मैं हूँ भाई, मैं पागल हो जाऊंगा। पीछे 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 हट हट हट। मामा
तुम्हें याद है ना कि तुमने क्या कहना है? हाँ जी, I love you. अरे ये कहीं उसे मत कह देना. मेरा मतलब है कि जो शख्स ये घर देखने आएगा उसे क्या कहना है? वो तो मैं भूल ही गई हूँ. अरे तुम दफा करो यार. आपको बस तुम मेरी हाँ में हाँ मिलाना. हाँ, 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 हाँ. अरे जब मैं कुछ कहूँ तो हाँ में हाँ मिलाना है. हाँ, 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 हाँ. हमने कहा आदाब. अरे तुम कौन हो गदले से इंसान? हाँ, 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 हाँ. अरे तुम तो चुप करो यार. जी हम अच्छे मियाँ हैं. अच्छे तो मेरे मियाँ भी हैं बहुत. जी हम ये मकान देखने आए हैं, जावेद साहब ने भेजा है हमें. ओ, तो वो आप हैं खरीदार? भाई बाहर बाहर से देख ले मकान. क्यों, हम तो तशरीफ अंदर लेके जाएंगे. ओए खबरदार, जो अपनी गंदी तशरीफ हमारे घर के अंदर लेकर गया हो, जो तूने घर अंदर से देखना है ना, तशरीफ इधर ही रख कर जाना. जी ये मोहतरमा क्या फरमा रही हैं? भाई ये फरमा रही हैं कि ये घर बहुत ही बोसीदा है. गाली पता है, एक कमरे की ना छत गिरी है दाम करके. तभी तो इनका मुंह इतना सूजा हुआ है. तो आप लोग यहाँ कैसे रहते हैं? भाई हम तो यहाँ लॉन में बिस्तरे बिछा लेते हैं, और वो जो कॉर्नर है ना वहाँ पे लकड़ी पे हांडी वंडी पका लेते हैं. तो फिर नहाते कैसे? अरे मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं कैसे नहाता हूँ? अरे मेरा मतलब है कहाँ नहाते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा, भाई पड़ोसियों के यहाँ जाके नहाता हूँ. भाई हमें यकीन नहीं आ रहा, हम तो अंदर जाके देखेंगे. हाँ जा, शक देख ले. अरे मोमो, मेरी हाँ में हाँ मिलाना था, उसकी हाँ में हाँ नहीं. पूरे सीन में मैंने हाँ में हाँ मिलाई है, कब कह रहे हैं उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाना है. चुप है. अरे भाई हमारे घर देखने कोई और जन्म है कि नहीं है? कोई है? अरे भाई कोई है? कोई है कि है? आप कौन है? हम अच्छे मियाँ हैं. किसके मियाँ हैं आप? अभी तक तो किसी के नहीं है, अगर आप हामी भर दें तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे. क्या बकवास है, क्यों आए आप? वो जी हम घर खरीदने आए थे, लेकिन मालूम हुआ कि बहुत बोसीदा घर है ये. बोसीदा? हाँ, वो छत गिर गई थी ना कमरे की. छत कब गिरी? तुम्हें कैसे याद होगा जानू के छत कब गिरी है? मैं जी इनका शौहर हूँ, इनके सर पे छत गिरी है, मेरी बीवी के सर पे छत गिरी है, तो इसकी यादा चली गई है तब से. शट अप नबील. देखे शटअप कहती है और पूरा दिन घर में इधर उधर फिरती रहती है. और क्या क्या मसाइल हैं इस घर में? कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रही. बस आए दिन तो घर की छत गिरती रहती है, और जो पानी की टैंकी है ना वो भी टूटी हुई है. हमने तो छोटा सा कुआं खोदा है, वहां से पानी लेके आते हैं. क्या बताएं, गैस कभी आती है कभी नहीं आती, जब आती भी है वो भी पेड़ में आती है, तो इतना बुरा हाल हो जाता है. बारिश हो जाए तो घर की दीवारों में करंट आ जाता है चार बार. साहब मैं मरते मरते बचाऊंगा. अरे बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमारी जान बचाई, वरना हम तो ये घर खरीदने वाले थे. कोई बात नहीं भाई, अगर चाहो दिल करे हिम्मत हो तो गरीबों की मदद करते जाओ. हाँ भाई, बड़ा अफसोस हुआ आपके ये हालात सुन के. ये ले, अल्लाह आपका भला करे. अरे बहुत शुक्रिया, जीते रहिए आप, जीते रहिए. आदाब 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 आदाब. जानू कैसा रहा? इंतहाई घटिया हरकत थी नबील. कभी अपने मियां के टैलेंट को ना माना तुम जेलस औरत. देखा मेरा कमाल? कहां है पुत्र कमाल? ओ माँ जी, मेरा मतलब है कैसा भगाया उन दोनों को. यार नबील, मैं तो कहता हूँ कुछ ऐसा करो कि सारी जिंदगी हम इस घर में मुफ्त रहे. तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए. इन्हें नहीं आती रुखसाना, ये बड़े बेशरम हैं. ओ माँ जी, जावेद साहब हम पे केस कर सकते हैं नबील. हाँ तो क्या हुआ, हम उन पे सूट केस कर देंगे रुखसाना. ले जी, आ गया जावेद साहब का फोन, बात करें. ओ मेरी करो जानू, छोड़ो यार एक सेकेंड. ओ हेलो, ओ जावेद के बच्चे, बात सुन मेरी गौर से. अब हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता. ओ माँ जी ने 10-12 तावीज गाड़ दिए हैं लॉन में, देखते हैं हमें कौन निकालता है. अब सारी जिंदगी हम यही रहेंगे. हाँ जा, तूने जो करना है कर ले. वेरी गुड पुत्र, वेरी गुड. ये क्या था नबील, अब तुम बदमाशी से किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करोगे? अरे भाई इसमें कोई बुराई भी नहीं है, इतने सारे एपिसोड किए आपने इस घर में, हम इतने आसानी से खाली नहीं करेंगे. हाँ हम ये घर खाली नहीं करेंगे बस. हाँ सुन लिया तुमने खूबसूरत, तुमने बुलबुले छोड़ना है तो छोड़ दो, हम इस घर को खाली नहीं करेंगे, सारी जिंदगी इसी घर में रहेंगे. हाँ मेरा शेर, शाबाश. तुम
तो खूबसूरत हो भाई। जी मैं जानती हूँ। मतलब तुम्हें मेरा तारीफ करना बुरा नहीं लगा? कैसी तारीफ? अरे मैंने तुम्हें अभी खूबसूरत कहा ना। खूबसूरत मेरा नाम है। बड़ा ही प्यारा नाम है। तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? मैं शादीशुदा हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं है। शट अप, चलो जाओ यहाँ से। ओ मैडम, मैं ये घर खरीदने के लिए आया हूँ, जावेद साहब ने भेजा है मुझे। जावेद साहब भी पता नहीं कैसे कैसे लोग भेज देते हैं। चले आए अंदर। चले चलिए। एक और दुम्बा आ गया। दुम्बा नहीं, खोता। अच्छा तो भाई अब तुम घर खरीदने आए हो? हाँ, पसंद आ गया तो आज ही डील डन कर दूँ। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं क्यों नहीं। तुम अपने बीवी बच्चे साथ नहीं लाए? वो भी घर देख लेते। अरे ओ भाई, मेरी शादी नहीं हुई अभी, मैं कवारा हूँ, कवारा। भूष्य विषय आहिस्ता बोलनी तो वो सुन लेगी। वो कौन? जो बड़ी खौफनाक सी है ना। आप आंटी? मैं नहीं, वो जो इस घर में किसी कुंवारे लड़के को जिंदा रहने नहीं देती। अरे कौन है वो? जॉनी नाम है मेरा, मैं किसी से नहीं डरता। कौन है वो जल्दी बताओ। अरे लाल मुंह और गोल्डन बालों वाली चुड़ैल है। चुड़ैल? चुड़ैल? हाँ भाई, एक लाल चुड़ैल जिसके गोल्डन बाल है, उसका इस घर पे साया है। जो भी कुंवारा इस घर में आता है वो उसको मार देती है, उसका खून पी जाती है, खून। अरे भाई मैं नहीं मानता ये सब। लग दे तुझे अपनी वो प्यारी नहीं है बच्चू। अरे वो क्या जान? अब जान तो मत कहो भाई। हेलो पत्थर के आलू, वो कह रही है अपनी जान की फिक्र करो। भाई मैं ये सब नहीं मानता, अगर ऐसा है तो मैं इस घर में रहकर देखूंगा। भाई तो अपनी जान से जाएगा। भाई कुछ भी हो, जब तक मैं उस चुड़ैल को अपनी आंखों से ना देख लूं मैं नहीं मानता। खूबसूरत बेडरूम कहाँ है? वहाँ। ओके तो मैं जाके फ्रेश होता हूँ, ठीक है? लेटरिन उधर ही है। क्या करेंगे हम? करना क्या है, एक काम करते हैं, लॉन में चल के सोचते हैं स्ट्रीट भरने का करना क्या। आज 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 अच्छी आती है। यार नबील अब क्या करें यार, ये जॉन किसी तरह भी डरने को तैयार ही नहीं है। महमूद साहब मुझे लगता है अब इसको चुड़ैल दिखाना पड़ेगी। भाई श्रीन जब मुंह धोकर आकर दिखा तो दे शक्ल अपनी। मैं मेकअप नहीं लगाती माँ जी। चल झूठी, तू हमारे कभी काम नहीं आ सकती खूबसूरत कहीं की। यार नबील अब हम उसे कैसे चुड़ैल दिखाएंगे यार? चुड़ैल आएगी महमूद साहब, जरूर आएगी। कहाँ से आएगी भाई, कहाँ है चुड़ैल? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ओ माँ जी, इतने बड़े मुंह वाली चुड़ैल मेरे सामने बैठी है। नबील अपनी हद में रहो वरना मैं बाढ़ लगवा दूंगा अपने मुंह के इर्द गिर्द। और देखिए महमूद साहब, फितरतन आपके अंदर एक बहुत बड़ी चुड़ैल है, आपने बस जरा सी एक्टिंग करनी। इश्फाक बन जाए ना चुड़ैल मेरी खातिर, कसम से। अच्छा ठीक है यार, बन जाता हूँ, मगर अगली बार कोई आया ना तो फिर ये नबील के बच्चे को बनना पड़ेगा चुड़ैल। ये चीज महमूद साहब, ये चीज जानो, तुम एक काम करो महमूद साहब का ना अच्छा सा चुड़ैलों वाला मेकअप कर दो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। सच्ची मुच्ची की चुड़ैल तो तू है तबस्सुम, मैं अपने जब्त को आज खुद ही आजमाऊंगी, अपने प्यारे मिये को अपने हाथ से चुड़ैल बनाऊंगी। अरे वाह 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 माँ जी वाह वाह। ओ हो हो हो, महमूद साहब आप तो पैदाइशी चुड़ैल लग रहे हैं यार। अरे ये मुझे क्या बना दिया है तुमने? मुमताज? मुमताज नहीं बनाया, चुड़ैल बनाया मकसूद। महमूद? नहीं महमूद नहीं, मरीना। मैंने आपका नाम ना मरीना चुड़ैल रखा है मुस्तकीम। अरे मैं उससे जाके कहूंगा क्या भाई? भाई आपने उसे जाके कहना है कि अगर शाम से पहले पहले वो यहाँ से ना गया तो आप उसे कच्चा खा जाएंगे। हाँ कच्चा खाने में ना मजा नहीं आएगा आपको, आप उसे जरा भून लीजिएगा मसूद। अरे मैं उसे सचमुच तो नहीं खाने वाला भाई। ओ चले महमूद साहब, मैं और माँ जी उस कमरे में जाते हैं, आपने उस कमरे की खिड़की में आना है। याद रहे महमूद साहब, आपने जॉन को उसकी नानी याद दिला देनी है। वो जो उसको याद दिलानी है वो उसकी नानी है। हाँ जी। अच्छा जी। आप इधर आए ना। ओहो बस करो, एक मिनट ना। भाई घर तो मुझे बहुत पसंद आया है, मैं सोच रहा हूँ कि जावेद साहब के साथ अभी की अभी डील डन कर दूं। मेरा मेरा फोन कहाँ गया? यही तो था। सच्ची मुझे पुत्र पोनी, मैंने तेरा फोन देखा ही नहीं है। मेरा ख्याल है भाई ये जो तुम्हारा फोन है ना, ये उसी चुड़ैल ने चुराया है। चुड़ैल कहते, शर्म नहीं आती तुझे? माँ? हाँ हाँ हाँ, आखिर चुड़ैल भी तो किसी की माँ है ना भाई। आ, आ, आ,
मेरा ख्याल है वही चुड़ैल है, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। हाँ? मैं अभी जाकर देखता हूँ। क्यों क्यों जाना चाहता है, क्यों अपनी भरी जवानी में जान से जाना चाहता है तू? हाँ ये चुड़ैल ना सुबह से भूखी है, 3 पराठे खाए इसने बस। आपको कैसे मालूम? ले मैंने तो खुद बना के दिए थे। क्या? मैं अभी जाकर देखता हूँ उस चुड़ैल को। भाई अच्छा पुत्र ये तो पोनी डर ही नहीं रहा। ओ माँ जी फिकर न करें, महमूद साहब को तो बगैर मेकअप के देख के लोगों की चीखें निकल जाती हैं। सही गल है। आए आओ देखते हैं तमाशा। आओ आज वो चलो 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 आज वो आज वो आज वो जो सालों से इस घर में रहती थी, तू कौन है? मैं इस घर का नया मालिक हूँ। तो तू है जो मेरा घर खरीदना चाहता है? तुम्हारा नहीं, जावेद साहब का घर है ये। ये घर मेरा है, मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी। चल खा के दिखा। तू मरीना को जानता नहीं है, मैंने आज तक इस घर में किसी कवारे लड़के को जिंदा नहीं रहने दिया। पर मैं तुझे नहीं रहने दूंगा इस घर में। तुझे मुझसे डर नहीं लगता क्या? अबे डर नहीं लग रहा, हंसी आ रही है मुझे। बहुत ही मैली किस्म की चिड़ेल हो तुम, इतनी बू आ रही है तुमसे। वो तो मेरी विक, मेरा मतलब है मेरे बालों से आ रही है। 500 साल से मैंने बाल नहीं धोए। चलो 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 शाबाश शाबाश, निकलो इस घर से, ये घर मैं खरीद रहा हूँ। चलो मैं चुड़ैल हूँ लोहे के इंसान, मुझसे डर। डर जा, मैं तेरे अंदर की चुड़ैल अभी निकालता हूँ, देख। अरे भाई, अरे ये क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहे हो? हाँ फौरी तौर पे बंदे भेजो। दिया जॉन को? मैं तो पहले ही समझ गया था तुम लोगों की मकारी, जॉन से कोई पंगा नहीं ले सकता। क्यों भाई, निकल गई तुम्हारी छोड़े? जॉन भाई मैं ना बहुत ही मासूम आदमी हूँ, ये सारा चक्कर जो ना इस कुरान नबील ने चलाया। पुत्र तूने ये घर खरीदना तो बेशक खरीद ले, बस हमें कोने में थोड़ी जगह दे देना। इतनी सी चुप है। ओए बदमाश, मेरी लाइनें बोल रहे हैं। मुझे कंट्रोल। हाँ? कोई नहीं पुत्र, कोई नहीं, बोलना है तो तू बोल ले, पर हमें घर से ना निकालना पुत्र। आए मैं तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मगर मेरा नाम भी जॉनी है। पप्पू जॉनी जल्दी आओ, उठाकर फेंक दो इन लोगों को बाहर। भाई कैसी बातें कर रहे हो यार, हमें कपड़े तो लेने दो, सामान तो उठाने दो ना। ए, तिनका नहीं उठाने दूंगा, धक्के देकर निकालो। पुत्र इसने तो हमें सच्ची मची घर से निकाल दिया, अब कहाँ जाएंगे हम? माँ जी टेंशन न ले, अभी हमारे पापा जी जिंदा हैं। जानू अभी पापा जी को फोन मिलाओ, बोलो पिछला जो ग्राउंड है ना उसमें अभी के अभी हेलीकॉप्टर भेजे हमें लेने के लिए। शट अप नबील। ओके जानू। अरे ठीक ही तो कह रहा है नबील खूबसूरत, तुम्हारे पापा इस वक्त हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं, उन्हें के फौरन हमारी लाहौर की फ्लाइट करवाएं। हाँ अच्छा करती हूँ पापा को फोन। करो करो करो। हेलो पापा। पापा हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, जावेद साहब ने ना घर बेच दिया है, हम रोड पर आ गए, पापा प्लीज हमारी मदद करें। बाहर में जाओ तुम सब लोग। क्या पापा मेरी बात तो सुने। हेलो हेलो क्या हुआ जमीला, तू बोलती क्यों नहीं? पापा जी कह रहे हैं बाहर में जाओ तुम लोग। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल।
बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं।